स्वास्थ्य के आधार पर 6 सप्ताह के लिए सत्येन जैन को जमानत। आप नेता के दिल्ली से बाहर जाने और गवाहों से मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दे दी है। जैन के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें दिल्ली से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएम नरसिम्हा वाली सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत सत्येंद्र जैन को दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जैन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अंतरिम जमानत अवधि में उन्हें इसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस जमानत में सत्येंद्र जैन किसी भी मुद्दे पर मीडिया में बयान नहीं देंगे और ना ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। बेंच ने जैन को जमानत देने की ईडी के विरोध को नजरअंदाज कर दिया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि जैन के स्वास्थ्य का दिल्ली एम्स द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सत्येंद्र जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में मेडिकल आधार पर सत्येंद्र जैन के जमानत की मांग की थी। वहीं ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य का मूल्यांकन दिल्ली एम्स या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में किया जाना चाहिए। राजू ने कोर्ट में दलील दी कि सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और ये अस्पताल उनके अधीन रहे हैं, ऐसे में ये मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी हो सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा कि एएसजी राजू को मेडिकल रिकॉर्ड पर विश्वास क्यों नहीं है। इसका जवाब देते हुए एएसजी राजू ने कहा कि सत्येंद्र जैन का पहले का कारनामा संदेह उत्पन्न करता है। इससे पहले जैन ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी, तब ईडी ने एम्स के डॉक्टर से जाँच कराने की मांग की थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल तिहाड़ जेल के लिए अनिवार्य रेफरल अस्पताल है। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि सत्येंद्र जैन को मस्कुलर एट्रॉफी, जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं और उनका वजन 35 किलोग्राम तक घट चुका है। इस दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि साल 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन एवं अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपए और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। साल 2015-16 में ही वे दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि प्रयास इन्फो सॉल्यूशन, इंडो मेटल इंपैक्ट्स, अकिंचन डेवलपर्स और डेवलपर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सत्येंद्र जैन ने इस शेल कंपनियों के माध्यम से कोलकाता स्थित कुछ विभिन्न शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर को पैसे दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करने के बाद निवेश के रूप में पैसों को कथित तौर पर फिर से बेच दिया था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने केस दर्ज कर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।